प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक भारत विकसित देश बनकर रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल प्रदेश में कई जगह ध्वजारोहण कर दी गई परेड को सलामी। और भाजपा ने जांजगीर और सक्ती जिले में निकाली तिरंगा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कल लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को केंद्रित करते हुए कहा कि मेरा अखंड अटूट और एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो मेरा देश विकसित भारत बनकर रहेगा और यह मेरे देश में उपलब्ध संसाधनों और देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूँ। मेरी युवा शक्ति और मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूँ। मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है और देश मणिपुर के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में समाधान का रास्ता शांति से निकलेगा और केंद्र तथा राज्य सरकारें समाधान के सभी प्रयास कर रही है और करती रहेंगी। विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं और ये कालखंड मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजिन हिताय सर्वजिन सुखाय एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी में भारत का जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपको देने का सामर्थ्य रखता है। कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो फिर तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था,
आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अगले महीने विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रहे हैं। यह योजना परंपरागत तरीकों से काम करने वाले लोग, जो आज भी औजार और अपने हाथ से काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, उन्हें नई ताकत देने का काम करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग सिंह ठाकुर के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को नमन करते हुए सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे 140 करोड़ देशवासियों के साथ अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने राष्ट्र की प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सम्मान में उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अटल जी ने विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के उच्च मानदंड स्थापित किए। एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी और दूसरी तरफ पोखरण परमाणु परीक्षण से विश्व को भारत की शक्ति का परिचय दिया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का निधन लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। G20 फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। महोत्सव की शुरुआत फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पौथेर पांचाली से होगी। फिल्मोत्सव का उद्देश्य सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय ने फिल्मोत्सव का आयोजन किया है। जाने माने अभिनेता विक्टर बैनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन 2 सितम्बर तक चलेगा। प्रदेश में कई जगह 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। नवा रायपुर के NTPC ने भी अपने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सी शिव कुमार ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया और कहा कि देश के विकास में NTPC का महत्वपूर्ण योगदान है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा पर NTPC के फोकस और आगे के अवसरों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने CSR गतिविधियों और सामाजिक दायित्व के निर्वहन में अर्पिता महिला समिति के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर अर्पिता महिला समिति के सहयोग से NTPC CSR के तहत मठ पुरैना के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाहितार्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को 2 वाटर कूलर कंप्यूरिफायर वितरित किए गए। इधर बिलासपुर में भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय सहित सभी मंडलों पर स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा एवं परंपरा के अनुसार मनाया गया। एनी इंस्टीट्यूट ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार द्वारा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मनोहर खुर्शीद की अगुवाई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसके बाद उन्होंने रेल सुरक्षा के जवानों, सिविल डिफेंस और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की आकर्षक परेड का निरीक्षण किया।
भाजपा द्वारा जांजगीर और सक्ती जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ और सक्ती में महानदी में नाव पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन के पास तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए नेताजी चौक पहुंची और फिर तिरंगा यात्रा कचहरी चौक पहुंची। इस दौरान कई जगह तिरंगा यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा के समापन पर नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं द्वारा शहीदों को नमन किया गया। जांजगीर के कचहरी चौक में हम अभी शहीद स्मारक में खड़े हैं। हम शहीद स्मारक में हमने देश के लिए अपने जान गंवाने वाले, देश के लिए शहीद होने वाले, आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर शहीदों को हम लोगों ने अभी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हम जितने भी शहीद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सभी के श्री चरणों को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको हम सेल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। और आज की हमारी जो ये तिरंगा यात्रा समाज को संदेश देने के लिए, जन जागरण करने के लिए है कि सभी नागरिक अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं, ताकि देशभक्ति का भाव सभी लोगों के मन में पैदा हो और देशभक्ति की ज्वारा, देशभक्ति की ज्योति सभी लोगों के मन में प्रज्वलित हो। इस हेतु से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। उन कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन भारत माता के लालों के द्वारा यह यात्रा निकाली गई है, यह बताने के लिए कि इसी तिरंगे के लिए इस देश के, इस भारत माता के हजारों सपूतों ने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। आज उनकी याद को अक्षुण बनाए रखने के लिए, उन शहीदों की स्मृति में हमने यह तिरंगा यात्रा निकाला है। सक्ती जिले के बरेकेल कला गांव में महानदी में नाव में सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा, जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा सहित भाजपाई और ग्रामीण मौजूद रहे। महानदी के बीच से शांति के प्रतीक सफेद गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा घर घर पहुंचे और तिरंगे के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, साथ ही पूरे विश्व में भाईचारा बने। जांजगीर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, पुलिस विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जनसंपर्क विभाग सहित अन्य विभाग जनभागीदारी के माध्यम से अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 9 से 30 अगस्त तक विविध आयोजन किए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ कुबेर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग मुट्ठी भर मिट्टी या मिट्टी का दिया हाथ में लेकर पंच प्राण की शपथ ले रहे हैं। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, इसकी शपथ ले रहे हैं। प्राण लिया जाना है और 5 स्टेप पे इसमें काम होना है। सीला फलकम बनाना है, सीला फलकम के पास ही हमको ध्वजारोहण करनी है, राष्ट्रगान करना है और वहीं पर एक मुट्ठी हाथ में लेके शपथ भी लेनी है और 75 पौधे भी वहां पे लगाना है। इसमें मातृभूमि की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जो प्राण लेनी है वह शपथ में आ जाएगा। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं वहाँ पर आकर एक साथ 75 और जितने भी ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं वो लगाएंगे। यह कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में होना है, जो कि वृहद कार्यक्रम है और इसकी रिपोर्टिंग हम 15 अगस्त के बाद जिला पंचायत को देंगे। इस अवसर पर 75 स्वदेशी पौधे भी लगाए गए, साथ ही लोगों ने इन पौधों की देखरेख का संकल्प भी लिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।